खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा है। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। वेलकम टू गज़ल गाइस। गाइस मेरा ये सेम डे है और मैंने सोचा कि आपको इस व्लॉग को कंटिन्यू करूं द नेक्स्ट व्लॉग। तो मैं आपको ले आया हूं, मेरे पीछे इस वक्त एम्पोरियम है, आप देख सकते हो बहुत ह्यूज बिल्डिंग है और दैट्स एक्सपो सेंटर और दिस इज़ एम्पोरियम। बहुत निषाद वालों का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, जिसमें शॉपिंग है, जिसमें आपके होटल्स बने हैं, बहुत खूबसूरत होटल्स हैं। लेकिन आप इसके सामने देखेंगे तो आप ये देखो, सामने देखो कि सब झोंपड़ पट्टी बनी हुई है, दिस स्लम एरिया। तो ये एक इतनी ज़बरदस्त जगह के अंदर ये एक स्लम एरिया है बना हुआ है जो कि इस वेरी यूनिक, मतलब आपको समझ नहीं आती कि इस यहाँ पे ये कैसे ये गुजारा कर रहे हैं और हाउ वुड दे फील कि इनके सामने एक स्लम एरिया बना हुआ है। ठीक है, मे भी शायद यार ये बनाने दें, वीडियो ना बनाने दें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, मैं यानी कि इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं वैसे यार मेरा व्लॉग नॉर्मल सा व्लॉग है, मेरा एक हिसाब किताब है मेरा, मैंने कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनानी है ये कौन सा करना है। लेकिन मुझे कभी जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये थोड़ा एक लगे चीज़ कि यार ये हाउ कम लाइक दीज पीपल आर हियर एंड नो बॉडी इज इंटरफेयरिंग देयर लाइफ्स बिकॉज दिस इज़ नॉट द एरिया, लाइक आप कह सकते हो कि इनके लिए एक सिलेक्टेड एरिया है ऐसे। तो ये आप ये देखोगे वीडियो 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 कैसे हो? अच्छे हैं। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हैं। यहाँ कैसे रहते हो यार? मैं यहाँ गर्मी नहीं लगती लगती और क्या करें। हाँ, कहाँ से आए हो? ठोकर में। ठोकर से आए हो? मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से? मच्छर बहुत लड़ता है। तो गाइस इनसे पूछते हैं कि यार ये कैसे यहाँ लिव कर रहे हैं और इनको कोई मसला तो नहीं है या कोई रोकता तो नहीं है? यहाँ पे आपको कोई रोकता तो नहीं है? यहाँ पे उठाते हैं, उठाने की कोशिश नहीं करते? उठा देते हैं। तो फिर आप कहाँ क्या करते हो फिर उनके साथ? क्या है, मुकमुका होता है या क्या चीज होती है? किसी और तरफ चले जाते हो? तो यहाँ एक बंदा एक जगह, यहाँ पुराना नहीं रह रहे हो आप? यहाँ पुराने नहीं हो आप? मैं इधर से उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, जितने ये बने हुए सब आप जैसे यहाँ पे ऐसे ही हैं। तो करते क्या हो आप, मजदूरी वगैरह करते हो या क्या है साथ आप? कूड़े का काम करते, कूड़े का काम करते हो? चलो यार अच्छी बात है, काम तो करते हो ना यार। तो कितने कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे। चार बच्चे, माशाल्लाह 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 जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे गुजारा कैसे करते हो? बस चल रहा है, अल्लाह पाक दे रहा है, रोटी खा रहे हैं और क्या। सर्दी है तो चलो ठीक है, गुजरती। अच्छा, ये जो जितनी बड़ी इतनी बिल्डिंग बनी हुई है सारी, ये रोकते नहीं है आपको क्या इनके सामने आप लोगों ने इतना? ये रोकते नहीं, खुद है पुलिस वाले को अल्टीम गांड ने। हां हां, तो उठा दे ये ना दिस। हां, झोपड़ी वाले झोपड़ी ना दिस, झोपड़ी ना दिस। गर्मी लगती है तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी पक्की जगह नहीं बना के देते कोई ऐसे गवर्नमेंट कोई ऐसे? पीछे से कहाँ से हो? रायबंड से हो?
तो गाइस देखें ये भी हालात हैं यहाँ पे बच्चों के साथ और लोगों के साथ, ये बेचारे गरीब गुरबा यहाँ पे हैं। और यही मैं सोच रहा था कि सामने जितनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको लाजमी बुरा लगता होगा कि इनके सामने ये झोंपड़ पट्टी बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। और इन्होंने भी यही चीज़ बताई है कि ज़ाहिर है ये इसको ये बुरा समझते हैं, पुलिस वाले आते हैं उठाते हैं ले जाते हैं। तो शख्सी कार्ड वगैरह बना हुआ है आप लोगों का? हाँ चलो भाई भाई थैंक यू शुक्रिया। बस यार ये हालात है इनके, ये हिसाब किताब है। और आप ये देखोगे वो ये हिसाब किताब है, ये सामने चलते हुए आते हैं। यहाँ तक यहाँ ये देखें ये सारी झोंपड़ पट्टी बनी हुई है थ्रू आउट। यहाँ पे लोग रह रहे हैं बेचारे किस तरीके से रह रहे हैं। और आई डोंट नो मे बी दे आर राइट दे आर रॉन्ग गॉड नोस, बट ये बहुत गलत है। एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि एक ना बहुत बड़े महल था बादशाह का, उसके सामने एक बंदे ने अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी सी बना दी दूर सामने। तो किसी ने उससे पूछा कि यार तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या तुम छोटी सी झोंपड़ी में रहते हो और तुम्हारे सामने इतना आलीशान महल है बादशाह का? उसने कहा नहीं मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए, बुरा तो उसको लगना चाहिए क्योंकि जब मैं सुबह खिड़की खोलता हूँ या दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे सामने खूबसूरत महल का व्यू आता है, बट जब वो अपनी खिड़की खोलता होगा इस साइड से तो उसके सामने ये झोपड़ पट्टी होती है, तो किसका व्यू बेटर है? तो ये मेरा ख्याल है ये वही उसी चीज़ पर चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है। ये देखें बतके, इन्होंने अपने यहाँ पर नेट लगा के बतके छतके पाली हुई हैं। आपकी बात कर रहा हूं मैं, बात तो करूं ना वैसे आपसे, मैं उधर मुंह करके आप वीडियो में नहीं आओगे, आपसे बात करोगे मुझसे, वीडियो उधर है वो सब जाए। चले मेरे भाई यहाँ पे कई जगह पे है, कई जगह पे इजाज़त नहीं है जी, मगर जे गल कोई शह नहीं दें, बच्चे भुखे सुते थले सुबह तो खाना भी कोई नहीं खाता, पैसे होने खाना खाइए। तो ये यहाँ पे अगर जाते हो तो फिर कहाँ चले जाओगे अगर ये उठाएंगे तो ये सब यहाँ से तो उठाएंगे तो अगले के प्लाट जाके बैठ जाओ खाली प्लाट पे। चलो यार अल्लाह ताला बेहतरी करे सबके साथ यार, अल्लाह का। ये देख सारे यहाँ पे लोग जो है ना बेचारे अपने अपने बेटे, कोई मजदूर हैं इसमें, भिखारी भी हैं इसमें कई, और कूड़ा उठाने वाले भी हैं। सो ये इनकी लाइफ है, सिंपल सी छोटी सी लाइफ है। और यस एक चीज़ है कि हर एक के दो दो चार चार बच्चे ज़रूर हैं इनके, मेरा ख्याल है द ओनली इंटरटेनमेंट दे गो इज मेकिंग बेबीज। अब ये देखें और ये थ्रू आउट चलती जा रही है, ये थ्रू आउट वहाँ पे झोंपड़ पट्टी चलती जा रही है और ये सब ऐसे बैठे हुए हैं। एलडीए वाले आते हैं तंग करते हैं, सब लोग आते हैं इनको तंग करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मे बी दे आर सिटिंग इन रॉन्ग प्लेस, बट इनको एक स्पेसिफिक इनको एक जगह दे दें अगर लाइक जो होते हैं जिप्सीज प्लेसेस होती हैं स्पेशल वो दे दें तो मे बी ये वहाँ से फिर हिले नहीं कभी भी। अब ये देखें वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचे हुए हैं सड़क के किनारे पर, वो उसके अंदर जंगले के अंदर अंदर भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे भाई के बाइक के ऊपर बच्चे आ गए और वो अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं। तो इन सब ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाई हैं बाइक के ऊपर बैठ के। और मैं आपको यहाँ झोपड़ पट्टी सारी दिखाई है, अब आप वहाँ देखेंगे सारे झोपड़ पट्टी बनी हुई है और सब की सेम ही सिचुएशन है। झोपड़ पट्टी के सामने टिकटॉक भी बन रहे हैं और ये देखें झोपड़ पट्टी के सामने टिकटॉक भी बन रहे हैं। वाओ नाइस।
बच्चे ज़रूर हैं, कितना ज़रूर है ये मैंने हर एक के अंदर देखा है। और ये देखिए अंदर सारी झोपड़ पट्टी है, यहाँ पे एक बच्चे के रूम में ऐसे ऊपर। चले गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक क्लोजअप दिखाता हूँ यहाँ से, ये खुला मैदान है, ये खुला मैदान है और आप देख सकते हो यहाँ सारा बेचारे जगह से महरूम लोग, मैं ही भी, इनके लिए वाकई कोई स्पेसिफिक जगह जैसा ये जगह है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जगह इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट। अब ये देखें सारा अंदर यहाँ पे शहर आबाद है। अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकता हूँ? भैया कैसी गुजरी जिंदगी यहाँ पे यार? यहाँ पे इन्होंने इजाजत दी आपको यहाँ पे रहने की या वैसे आप आके बैठ गए हो? या क्या तो ये उठाते नहीं है सामने ये इधर उधर वाले? नहीं मेरी वीडियो इधर नहीं चलनी, मेरी वीडियो बाहर चलनी है। हाँ इतने नहीं चलनी, नहीं नहीं मैं था इतना तो है ही नहीं। मैंने तो बस देखा यहाँ पे आके ये लोग बैठे हुए हैं, तो मैं कहा यार देखो इनके हालात क्या हैं, गर्मी सर्दी कैसे बंदोबस्त करते हो यार अपना? बच्चे हैं कितने? बच्चे सात बच्चे। यार बच्चों के अलावा भी कोई काम करते हो कि नहीं? अरे गजरे बेचते हो, ये तो ये भी तुम्हारी ही है। चलो यार मेहनत मजदूरी तो करते ही हो ना, ये तो चीज़ है। बस यार सर्दियों में तो फिर भी गुजारा हो जाता होगा, गर्मियों में मुश्किल होता होगा, नहीं होता? इनकी सिर्फ सर इतनी होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये एक अपना निज़ाम चला सकें, घर बना सकें। और इसी चीज़ की obviously if someone is listening to me, of course not, but yes they kar sakte hain. ha bachcha sada bhi aave anpadh ja raha hai, anpadh ja raha hai. ha padhai to sabse badi keemti cheez hai bhai, wo bhi nahi honi to fir kya honi hai? to kya karte hain bachche? kya karte hain vele? hum khana laate hain. bheek sheek to nahi mangwate ho? nahi bheek na mangwana, baaki khair hai. hai kaam karta na jaisa sada. तो गाइज ये था मेरा इस झोपड़ पट्टी के ऊपर, इसकी स्पेसिफिक इसकी रीज़न ये है कि ये इन फ्रंट ऑफ बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के सामने बना हुआ है और इन लोगों के अपने मसाइल हैं, ज़ाहिर है इनको जो लोग उठाते हैं ये इधर से उधर चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, इनका ज़रिया माश कोई ख़ास भी नहीं है, बस दुख लगता है कभी कभी। चलें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था झोपड़ पट्टी के मुतालिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।